हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। सुबह आपने वीडियो देखी थी सर्विस करने वाला, जिसमें आपको सर्विस के काफी सारे मतलब बेनिफिट्स मिल रहे थे। तो भाई होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर नहीं देखी है तो फटाफट चले जाना वीडियो लिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी अभी मैं आया हूँ हीरो के शोरूम, और यहाँ पे हम करने वाले हैं डिजिटली लॉन्च ग्लैमर को, जो कि एक्सट्रैक्ट सेंस में आई है, बिल्कुल न्यू अपडेट होकर काफी सारे फीचर्स उसमें अपडेट हुए हैं। तो क्या क्या अपडेट हुए वो मैं आपको सब वन बाय वन चेकआउट कराऊंगा, स्टे ट्यून। और अभी फटाफट से उसको अनवील करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि भाई उसका लुक जो है कैसा आया है। स्टे ट्यून गाइस। तो गाइस ये है ग्लैमर 2021 BS6 एक्सटेक टेक्नोलॉजी के साथ, हमारे को मिलती है हीरो से। ये लगा लो इस बाइक के अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स अपडेट कर दें जो प्रीवियस वाली में इतने फीचर्स नहीं थे। बाकी अगर बात करूँ फ्रंट हेडलैम्प की, तो भाई ये फुल्ली LED रहने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव लग रहा है। ये अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जैसे ही मैं इसका इग्निशन ऑन करूँगा कुछ इस तरीके से, तो देख सकते हैं यहाँ पे कैसा इसके अंदर जो है DRL जो है काम करते हैं। और ये कुछ ना कुछ H वाली के हीरो का जो साइन जो है हमें दिखता है, और बाकी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। DRL देख सकते हैं कितना ज़्यादा अग्रेसिव लग रहा है देखने में। थोड़ा सा क्लोजअप में आप चेकआउट कर सकते हैं, ये देखिए तो कितनी अच्छी इसमें लाइट दी गई है हीरो तरफ से। ये फुल्ली LED जो है हेडलैम्प मिलता है हमारे को हीरो की तरफ से, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और ठीक उसी के ऊपर देखेंगे तो छोटा सा प्यारा सा यहाँ पे 3D एनवेलम, जो कि H हीरो का जो साइन होता है। अगर बात करेंगे सस्पेंशन की, तो टेलीस्पोक सस्पेंशन मिल जाते हैं हमारे को यहाँ पे। आगे ड्रम ब्रेक मिलती है इसमें, बट इसके अंदर दो वेरियंट अवेलेबल हैं, एक डिस्क ब्रेक और एक ड्रम ब्रेक, ठीक है। तो सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ हमारे को ग्लैमर मिलती है, और ड्रम में तो आती है, ठीक है। बाकी ड्रम की बात करूँ तो उसमें IBS वाली ब्रेकिंग मिल जाती है हमारे को, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। अगर साथ में बात करेंगे पीछे की, तो टैंक मिलता है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये। और इसमें पेंट जॉब काफ़ी अच्छी हुई है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्लॉस पेंट है हुआ है ब्लैक कलर का। साथ में बात करूँगा टैंक पे जो श्राउड्स निकले हुए साइड में, तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं। प्लस यहाँ पे जो ग्लैमर जो लिखा हुआ है यहाँ पे 3D एनवेलम के साथ, यहाँ पे ग्लैमर जो है उसकी बैजिंग मिल जाएगी आपको, बहुत ज़्यादा बढ़िया आती है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्टल। ये बात करूँ ऊपर मीटर की, तो यहाँ पे फुल्ली डिजिटल मीटर मिल जाता है हमारे को, देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको डिजिटली। एक बार मैं ऑन कर दिखाता हूँ आपको, मैं कुछ इस तरीके से ऑन होता है गाइस, कि हमारे को RPM देखने को मिलेगा, स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा, किलोमीटर, ओडोमीटर, और यहाँ पे हमारे को ट्रिप मीटर भी देखने को मिल जा रहा है। बाकी इसके अंदर बात करूँ यहाँ पर, तो आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है जी। और अगर बात करूँ कॉल की, तो कॉल की फैसिलिटी मिल जाती है आपको, कॉल अलर्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ये मीटर इन्हांस होकर आया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ग्लैमर के अंदर। बाकी यहाँ पे हमारे को देखने को मिलेगा I3S का स्विच, जो कि I3S जो होता है आपको फ्यूल इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है जी, फ्यूल जो है आपकी बचाता है। अगर बात करूँ यहाँ से टैंक की, तो टैंक देख सकते हैं कितना ज़्यादा ह्यूज टैंक निकाला, देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा लग रहा है, मतलब श्राउड्स की वजह से और ज़्यादा हैवी और बल्की लुक निकल कर आ रहा है यहाँ पे। और 125cc का इंजन रहने वाला है इसके अंदर सिंगल सिलेंडर का। नीचे की बात करूँ तो इधर हमको किक देखने को मिल जाती है यहाँ पे, जबकि बैटरी का भी लो हो तो किक मार सकते हो आप। बाकी साइलेंसर यहाँ से एग्जॉस्ट निकल के कैथलेटिक कन्वर्टर के साथ एक कवर लग के आ रहा है, जो कि मेटल में ही रहने वाला है, प्लास्टिक में नहीं यूज़ किया हुआ है। बाकी यहाँ से बात करेंगे एग्जॉस्ट की, तो मफलर भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे इसका, मतलब और 125cc से काफ़ी हैवी जो इसका एग्जॉस्ट निकाला है, काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट निकाला, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ब्रॉड दिख रहा होगा ये। और पीछे की बात करूँ तो पीछे भी हमको ड्रम मिल रहे हैं, ड्रम ब्रेक फ्रंट में भी और रियर में भी। बाकी इसके अंदर दो वेरिएंट आते ही हैं, एक डिस्क ब्रेक और एक ड्रम ब्रेक, ठीक है गाइस। और बाकी इसमें हर बार की तरह अलॉय व्हील जो है इस बार सेम नहीं दिए हैं, बाकी चेंज दिए हैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डायमंड कट में। और प्लस यहाँ पे हल्का सा ना यहाँ पे आपको ग्राफिक मिलेगा, और प्लस ग्लैमर की बैजिंग मिलेगी, और बाकी ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं। बाकी रियर की बात करूं तो यहाँ पे रियर में कुछ H वाला साइन देखने को मिलेगा आपको, देख सकते हैं काइंड ऑफ जैसे कि फ्रंट में देखने को मिल रहा है, सेम एलईडी रियर में भी देखने को मिलेगा। काफ़ी यूनिक जो है लाइट निकाली है, इसी स्लीक निकाली है, साइड से पोर्शन देख सकते हैं आप कितना स्लीक आ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। और ये जो है हेलोजन रहने वाला है। बाकी मयंक भाई ब्रेक दबाना पीछे की कैसे हाईलाइट हो रही है,
तो देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हाईलाइट हो रहे हैं, क्या बात है। और बाकी इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो हेलोजन रहने वाले हैं, देख सकते हैं आप। और पीछे की बात करो तो यहाँ पे नंबर प्लेट हाईलाइटर एक लाइट दे रखी है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट, ठीक है जी गाइस। और इधर लेडीज़ के लिए साड़ी गार्ड मिल जाता है हमारे को, ये देखिए साड़ी गार्ड जो हो गया कंपलसरी हो गया, मतलब गवर्नमेंट के नॉर्म से, और शोरूम की तरफ से आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसका एडिशनल चार्ज कुछ नहीं होता। बाकी बात करूँ ग्रैब हैंडल की, तो ग्रैब हैंडल भी काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, हमने काफ़ी अच्छी मतलब ग्रिप प्रोवाइड कर रहा है ग्रैब हैंडल। सीट जो है उसकी कुशनिंग भी ठीक ही बोलूँगा मैं, मतलब राइडर को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसका जो राइडिंग रिव्यू होगा गाइस मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा इसी बाइक पे, बट अभी जो है ये कलर नहीं होगा, वो दूसरा कलर होगा, बट उस पर हम राइडिंग वाली वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा, जिसमें हम इसकी राइडिंग रिव्यू करेंगे कि भाई चलने में कैसी है, दिखने में तो काफ़ी अच्छी है। इसका जो इंजन है काफ़ी रिफाइंड करके आया है इस बार, और 5-speed गियर बॉक्स है इसके अंदर, और गियर की जितनी भी वो होती है इन्फॉर्मेशन वो सारी सारी हमारे को मिलेगी इसके मीटर में। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे गियर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ पे स्पीड की, ऊपर RPM की, इधर हमारे को नेविगेशन मिल जाएगा, प्लस कॉल अलर्ट मिल जाएगा गाइस, ठीक है। बाकी एक बार इसको फायर करता हूँ मैं, तो देख सकते हैं फायर ये हो गई है, और फायर होने के बाद इसकी इतनी साइलेंट आवाज़ है, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड हो गया है इंजन। बाकी कैथलेटिक कन्वर्टर होने की वजह से आवाज़ जो है और कम हो गई है, देखिए आप, तो थ्रॉटल जो है देते रिस्पॉन्स कर रही है, क्या बात है। बाकी ऊपर ले चलता हूँ तो यहाँ पे RPM मीटर जो है वो शो हो रहा है, क्या बात है। बाकी जो हेडलैम्प है वो किस तरीके से काम करता है दिखा देता हूँ आपको मैं, जैसे कि इग्निशन खोलोगे तो जलता रहेगा, DRL है, ठीक है जी। और बात करूँ अगर हाई बीम की तो हाई बीम है ये, ये देखिए बहुत तेज है, इसका फोकस चेकआउट करो आप, देख सकते हैं आप। तो अभी क्या है शोरूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग है, उसके वजह से यहाँ पे इसकी लाइट इतनी तेज़ है, सोचो रात में कितनी तेज़ होगी। तो लाइट के मामले में आपको एकदम ओके मामला मिलने वाला है, मतलब लाइट के मामले में आपको ये नहीं होगा कि भाई आपको अलग से एडिशनल कोई बाहर से होता है ना कि भाई बाहर से लाइट ऐड ऑन करानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिटी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो भाई होप करता हूँ आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, और ये बाइक अच्छी लगी हुई, ये बाइक और ये रिव्यू कैसा लगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।